राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष राकेश तिवारी ने संसद में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान के विरोध में उनका पुतला दहन किया है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर हिंदू समाज का अपमान करने का आरोप लगाया। अध्यक्ष राकेश तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में हिंदू विरोधी बयान दिया है, जिसके विरोध में प्रदर्शन उनका पुतला जलाया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के नेता है और वर्तमान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर आसीन, इसके बावजूद उन्होंने हिंदू समाज को अपमानित करते हुए अपने भाषण में समस्त हिंदू समाज को हिंसक बताया है। इस तरह का वक्तत्व हिंदू समाज को कतई स्वीकार नहीं है एवं समग्र हिंदू समाज इसका घोर विरोध करता है। दूर रहना क्योंकि आग फैलती है उसकी, पेट्रोल की आग फैलती है। राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे हिंदुओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अरे हिंदुओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जी आज आप लोगों ने मौन प्रदर्शन करा, क्या कारण? आज हम लोगों ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। राहुल गांधी ने संसद में जो हिंदू विरोधी बयान दिया था कि हिंदू हिंसावादी है, हिंदुओं के देवता शस्त्र रखते हैं, हिंसावादी हैं, तो हम लोगों ने राहुल के संसद में जो हम लोग हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी की गई है, हिंदू विरोधी टिप्पणी, हिंदुओं को हिंसावादी बताया। हिंदू वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत का पालन करता है, राहुल गांधी हिंदू समाज को हिंसावादी बताते। अरे मैं पूछता हूँ कि राहुल गांधी कौन है? हिंदू है तो वो ये बताए, और अगर हिंदू नहीं है और क्या है तो वो ये बताए। हमारा सवाल ये है, राहुल गांधी ये बताए वो कौन है?